अस्सलाम वालेकुम, आई एम राबिया जीज़। आज हम वीडियो में नैनो सेंसर को डिस्कस करेंगे जो कि नैनो केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। Sensation is the physical process during which sensory system respond to stimuli and provide data for perception। इन्वायरमेंट से सेंसरी सिस्टम जो है वो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। स्टिमुलाई क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, साउंड वेव्स, मैकेनिकल एंड थर्मल एनर्जीज। इसी तरह सेंसरी ऑर्गन जो है हमारे एयर है, आई है, नोज़ है, टंग है, स्किन है, और जो सेंसेस हमें मिलती हैं वो हैं साइट है, हियरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है, या हम फील करते हैं टच को, प्रेशर को, पेन को, कोल्ड को। नेचुरल नैनो सेंसिंग। डॉग्स हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल that functions using receptors that feel nano-sized molecules। Insects detect sex pheromones using nanosensors। Fishes uses nanosensors to perceive mescaline vibration in the surrounding water। Plants also use nanosensor to detect sunlight। A sensor is an instrument that responds to a physical stimulus such as heat, light, sound, pressure, magnetism or motion। Sensor collects data and measures data regarding some property of a phenomenon, object or material। Sensors are an important part to any measurement and automation application। Sensor is responsible for converting some physical type of phenomenon into a quantity measurable by a data acquisition system। सेंसर जो है वो फिजिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करता है और जो सेंस करता है उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर रहा होता है। नैनो सेंसर की हम पहले डेफिनेशन देखते हैं और उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी उसी की डेफिनेशन को ही डिफाइन कर रहे हैं कि जब हम किस किस चीज़ को नैनो सेंसर कह सकते हैं। तो हम फर्स्ट जो मेन डेफिनेशन है उसको देखते हैं। नैनो सेंसर आर नैनो स्केल डिवाइसेस दैट मेजर फिजिकल क्वांटिटीज एंड कन्वर्ट दीज टू सिग्नल्स दैट कैन बी डिटेक्टेड एंड एनालाइज। वही बात जो मैंने पीछे कही कि सेंसर जो है वो फिज़िकल चेंजेस को ऑब्जर्व करता है, उस सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होता है ताकि हम जो है एनालाइज कर सकें, नोट कर सकें। तो यहाँ पे क्योंकि नैनो सेंसर है तो वो नैनो स्केल डिवाइसेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो नैनो सेंसर है वो नैनो स्केल डिवाइसेस हैं। सेम वही फिनोमिना है बट नैनो स्केल डिवाइसेस हैं। करैक्टरिस्टिक्स या हम मोर डेफिनेशंस की बात कर सकते हैं कि नैनो सेंसर की और डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो द साइज ऑफ द सेंसर इज़ इन नैनो स्केल, वही पहली वाली बात। दूसरी, सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसर इज़ इन द नैनो स्केल, अब वो जो रेंज है सेंसिंग की वो नैनो स्केल में है, सेकंड डेफिनेशन। थर्ड, द स्पाइशल इंट्रैक्शन डिस्टेंस बिटवीन द सेंसर एंड द ऑब्जेक्ट इज़ नैनोमीटर। अब डिस्टेंस पे हो रहा है कि सेंसर और हम जिस ऑब्जर्व जिस चीज़ को कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो नैनोमीटर में। ग्लोबल मार्केट ऑफ नैनो सेंसर 2019 तक जो उसकी ग्लोबल मार्केट रही है वो 441.91 मिलियन $US तक रही है, जो कि 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि 8,426.45 मिलियन $US तक पहुँच जाए। जो ग्रोथ रेट उसकी पहुँचेगी एक्सपेक्टेड है वो 79.83% तक एक्सपेक्टेड है। यहाँ मैप के थ्रू बताया जा रहा है कि कहाँ जो है उसकी रीजनल ग्रोथ रेट कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है और कहाँ नॉर्मल है, मिड है मतलब। तो रेड पार्ट में सबसे लो है, येलो में मिड है और ग्रीन में हाई है। और यहाँ पे कुछ कंपनीज़ के नाम बताए जा रहे हैं जो टॉप मार्केट हैं या टॉप इंडस्ट्रीज़ है मार्केट में नैनो सेंसर की, जैसे हनीवेल, ओमरॉन, सैमसंग, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। Key players operated in a market include global nanosensor market, industry analysis and forecast। तो वही जो लास्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया कि कुछ कंपनीज हैं जो शुरू की टॉप 5 कंपनीज हैं जो ग्लोबल मार्केट में नैनोसेंसर की टॉप 5 पे हैं। तो उनमें फर्स्ट पे ओमरॉन कॉर्पोरेशन, लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, हनीवेल इंटरनेशनल, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इनकॉर्पोरेटेड और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। हिस्ट्री, नैनो सेंसर की हिस्ट्री जो है वो 1994 से मैकेनिकल नैनो सेंसर से शुरू होती है, अब जो अभी तक कंटिन्यू है, बट यहाँ पिक्चर में 2005 तक बताई जा रही है जो कि नैनो फाइबर नैनो सेंसर तक है। और इसी तरह जो इसकी प्रोग्रेस हम रिसर्च पब्लिकेशन के थ्रू भी देख सकते हैं कि 1994 से जो स्टार्ट हुई है वो अभी तक कंटिन्यू है। और इसी तरह बाकी नई नई जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी नैनो सेंसर के वो मार्केट में आते जा रहे हैं। लीलैंड क्लार्क जो हैं वो फादर ऑफ बायोसेंसर हैं। इनने ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड बनाया है जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को डिटरमाइन करता है। एडवांटेजेस ऑफ नैनो सेंसर, मिनिएचराइजेशन मीन कि वो स्मॉल डिवाइसेस होती हैं, लाइट वेट होती हैं, पोर्टेबल होती हैं, लो पावर कंजम्पशन कर रही होती हैं, इनकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, फास्ट रिस्पांस दे रहे होते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, मल्टी एनालाइट डिटेक्शन कर रहे होते हैं हम इसके थ्रू, और हमें इसके लिए लेस सैंपल रिक्वायर्ड होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो सेंसर्स, नैनो सेंसर को 2 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, अगर नैनो सेंसर नैनो स्केल में है, नैनो साइज में है नैनो सेंसर, तो हम कह रहे हैं कि वो नैनो सेंसर है। तो उसमें नैनो फाइबर्स हैं, नैनो ट्यूब्स हैं, नैनो बेल्स हैं, नैनो प्रॉप्स हैं, नैनो वायर्स हैं, नैनो ग्रेन्स हैं एंड क्वांटम डॉट्स एंड मैनी मोर। इसी तरह अगर दूसरी क्लासिफिकेशन में हम उसको देखते हैं तो हम कह रहे हैं कि वो नैनो स्केल में मेजरमेंट कर रही है बट उसका साइज़ नैनो स्केल में नहीं है। जैसे कि अगर वो मैक्रो नैनो सेंसर्स हैं या माइक्रो नैनो सेंसर हैं। मैक्रो नैनो सेंसर है तो वो FM STM हो सकते हैं, माइक्रो नैनो सेंसर है तो MEMS बेस्ड माइक्रो नैनो सेंसर हो सकते हैं। दीज आर मेन क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो सेंसर। तीसरी क्लासिफिकेशन एनर्जी सोर्स के थ्रू है। फर्स्ट, एक्टिव नैनो सेंसर हो सकते हैं, दूसरी जो है पैसिव नैनो सेंसर हो सकते हैं। एक्टिव नैनो सेंसर को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ऑपरेट करने के लिए और पैसिव में एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड नहीं होती। चौथी क्लासिफिकेशन जो है वो प्रेशर सेंसिंग के थ्रू है। एब्सोल्यूट नैनो सेंसर और रिलेटिव नैनो सेंसर। एब्सोल्यूट प्रेशर नैनो सेंसर जो होते हैं वो मेजर्स करते हैं प्रेशर को विद रेफरेंस टू जीरो प्रेशर वैक्यूम, जबकि रिलेटिव प्रेशर नैनो सेंसर जो होते हैं वो रिस्पेक्ट टू सम चूजन रेफरेंस के थ्रू हमें कंपेयर करके प्रेशर को एटमॉस्फेरिक, जैसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू जो है मेजरमेंट कर रहे होते हैं। एफिनिटी बेस्ड नैनो सेंसर में जैसे कि एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और न्यूक्लिक एसिड रिसेप्टर्स दैट बाइंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ इंटरेस्ट इरिवर्सिबली एंड नॉन कैटेलिटिकली, जबकि कैटेलिक बेस्ड नैनो सेंसर्स में एंजाइम्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बेस्ड रिसेप्टर्स दैट बाइंड मॉलिक्यूल्स ऑफ इंटरेस्ट एंड कैटेलिटिकली कन्वर्ट देम इनटू रिकॉग्नाइजेबल प्रोडक्ट्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, तो ऑप्टिकल नैनो सेंसर, इलेक्ट्रोकेमिकल नैनो सेंसर, मैकेनिकल नैनो सेंसर और थर्मोकेमिकल नैनो सेंसर और मैग्नेटिक नैनो सेंसर और बायोलॉजिकल नैनो सेंसर्स जो हैं वो स्ट्रक्चर बेस्ड जो है क्लासिफिकेशन के थ्रू हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हमने प्रीवियस स्लाइड में स्ट्रक्चर के थ्रू क्लासिफिकेशन की थी, उसी के लिए यहाँ पे ये टेबल बनाया गया है कि जैसे ऑप्टिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल नैनो सेंसर थे तो यहाँ पे उनके डिटेक्शन मेथड को फर्दर क्लासीफाई किया है, नैनो मटीरियल्स के जो उसमें यूज़ किए जा रहे हैं वो, और उसके डिटेक्शन लेवल और प्रोस और कॉन्स उसके डिस्कस यहाँ पे किए जा रहे हैं। यहाँ पे ऑप्टिकल के जो डिटेक्शन मेथड हैं वो LSPR, लोकलाइज सरफेस प्लाज्मन रेजोनेंस, और क्लोरोमेट्रिक मेथड, फ्लोरेसेंस मेथड और SERS मेथड। SERS जो है स्टैंड फॉर सरफेस इनहेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी तरह नैनो मटीरियल्स जो यहाँ पे हाईलाइटेड एरियाज़ में बताए जा रहे हैं कि मेटल के नैनो पार्टिकल्स हैं, सिलिका के नैनो पार्टिकल्स हैं, और फर्दर मोर यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स और नैनो मटीरियल्स के बारे में बताया गया है। इसी तरह डिटेक्शन लेवल है जो पिकोमीटर्स में है, नैनोमीटर में है, जीटा मीटर में है, फेमटोमीटर में है। और प्रॉस और कॉन्स जो हैं, जैसे कि प्रॉस जो हैं फ्लेक्सिबल डिटेक्शन है, इजी टू रीड सिग्नल्स हैं। तो ये ईच नैनो सेंसर्स जो टाइप है उसकी एडवांटेजेस हैं और उसके डिसएडवांटेजेस है कि इनमें हाई प्रॉप कंसनट्रेशन है, ब्लिंकिंग सिग्नल्स हैं। तो हम प्रॉस और कॉन्स को देखते हुए अपने रिक्वायर्ड हमें जो एनालिसिस चाहिए उस हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं और हमारे जो मेथड है डिटेक्शन मेथड उसको देखते हुए सेलेक्ट करते हैं कोई भी नैनो सेंसर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो फर्स्ट जो है केमिकल नैनो सेंसर हैं, दूसरी डिप्लॉयबल नैनो सेंसर हैं, तीसरे इलेक्ट्रोमीटर्स हैं, फोर्थ नैनो बायोसेंसर हैं। केमिकल नैनो सेंसर जो है हम केमिकल या मॉलिक्यूल के एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रोमीटर्स जो हैं वो हमारे नैनोमीटर स्केल मैकेनिकल इलेक्ट्रोमीटर्स होते हैं। डिप्लॉयबल नैनो सेंसर जो हैं वो मिलिट्री पर्पसेस में यूज़ हो रहे होते हैं। प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन के बेस पर हमने डिवाइड किया था नैनो सेंसर में, जिसमें केमिकल नैनो सेंसर था, डिप्लॉयबल नैनो सेंसर था और इलेक्ट्रोमीटर्स था, और इसी तरह एक नैनो बायोसेंसर भी था। तो नैनो बायोसेंसर्स में जो हम सैंपल्स लेते हैं वो ह्यूमन सैंपल्स हो सकते हैं, फूड सैंपल्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल सैंपल्स हो सकते हैं, फार्मास्यूटिकल सैंपल्स हो सकते हैं। तो रिकॉग्निशन एलिमेंट जो हैं जो नैनो बायोसेंसर में मौजूद होगा वो एंजाइम हो सकता है, एंटीबॉडीज़ हो सकता है, नैनो पार्टिकल्स हो सकते हैं, इसी तरह DNA हो सकते हैं। ट्रांसड्यूसर जो है वो उस चेंजेस को ऑब्जर्व करेगा थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस नोट हो रही होंगी, या ऑप्टिकल या क्लोरोमेट्रिक या मास और मैग्नेटिक। इसी तरह इस सिग्नल प्रोसेसिंग के थ्रू जो है हमारे पास जो सिग्नल जनरेट हुआ है वो सिग्नल प्रोसेसिंग के थ्रू हमें डिजिटल डेटा हमें प्रोवाइड करेगा। नैनो सेंसर को बनाते वक्त कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाता है, जिन पैरामीटर्स की यहाँ पर स्लाइड में बताया जा रहा है, जैसे कि स्पेसिफिसिटी, सेलेक्टिविटी, रेजोल्यूशन, कैलिब्रेशन करैक्टरिस्टिक, रिस्पॉन्स टाइम, लिनियरिटी, रिपीटेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ड्रिफ्ट, अलाउड एम्बियंट पैरामीटर। नैनो सेंसर फैब्रिकेशन कॉमनली यूजेस सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पिक्चर के थ्रू बताया जा रहा है कि जो नैनो सेंसर की फैब्रिकेशन प्रोसेस है किन किन स्टेप से गुजरती है। तो डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, पैटर्न ट्रांसफ़र, रिमूवल ऑफ मटेरियल, क्रॉप टेस्टिंग, सेक्शनिंग, इंडिविजुअल डाई, असेंबली इनटू पैकेज, पैकेज सील एंड फाइनल टेस्ट। नैनो मटेरियल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ नैनो सेंसर्स, नैनो वायर्स, नैनो फिल्म्स, क्वांटम डॉट्स, नैनो क्रिस्टल्स, नैनो डॉट्स, नैनो रॉड्स, नैनो बेल्स, नैनो ट्यूब्स, इम्बेडेड नैनो स्ट्रक्चर्स एंड सेल्फ एग्जाम्पल्स नैनो मटीरियल्स। नैनो मटीरियल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ नैनो सेंसर। कार्बन नैनोट्यूब बेस्ड नैनो सेंसर गैसेस की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। नैनो स्केल थिन फिल्म नैनो सेंसर जो हैं वो हैवी मेटल्स की डिटेक्शन के लिए। माइक्रो कैंटिलीवर और नैनो कैंटिलीवर इनेबल नैनो सेंसर जो हैं वो एक्सप्लोसिव की डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ नैनो मटेरियल, साइज एंड शेप्स। तो डायमेंशन जो है वो 0 डायमेंशन हो सकती है, 1 डायमेंशन हो सकती है, 2 डायमेंशन और 3D और बल्क। इस तरह डायरेक्शन एंड कन्फाइनमेंट जो है 0 डायमेंशन की XYZ। एग्जाम्पल नैनो पार्टिकल्स और एप्लीकेशन फोटो कैटेलिटिक एक्टिविटी। फर्स्ट जो 1 डायमेंशन है उसकी कन्फाइनमेंट जो है वो XY। एग्जाम्पल्स रॉड्स, वायर्स, ट्यूब्स और एप्लीकेशन वेव गाइड्स। 2 डायमेंशन तो X है कन्फाइनमेंट डायरेक्शन की, और एग्जांपल्स हैं नैनो फिल्म्स, नैनो कोटिंग्स, और एप्लीकेशन है कंपोनेंट्स फॉर PC, मोबाइल फ़ोन्स। अगर 3D हैं तो उनकी कन्फाइनमेंट डायरेक्शन जो है नील है, एग्जाम्पल नैनो कंपोजिट हैं। कार्बन नैनो ट्यूब बेस्ड नैनो सेंसर, यहाँ पे हमने टेबल के थ्रू कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि कौन से सिस्टम्स यूज़ किए जा रहे हैं और उसमें टारगेट स्पीशीज़ क्या हो सकती है और उसमें फ़ीचर्स हमने क्या क्या ऑब्जर्व किए जो रिपोर्टेड लिटरेचर में है। ने ऑक्साइड बेस्ड नैनो सेंसर, यहाँ पे सेम हम टेबल के थ्रू बता रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड कौन से यूज़ किए जाएंगे, तो कौन सी टारगेट स्पीशीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे और क्या फीचर्स हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे हम टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो रिपोर्टेड लिटरेचर में मौजूद है। नैनो बायोसेंसर, यहाँ पे भी सेम हम टेबल में टारगेट बता रहे हैं कि यहाँ पे टारगेट क्या है और कौन से हमने नैनो मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, और यहाँ पे रिकॉग्निशन एलिमेंट उस नैनो बायोसेंसर में कौन हों क्या होंगे और इसकी सेंसिंग टेक्निक क्या होगी जब हम स्पेसिफिक नैनो मटेरियल यूज़ कर रहे होंगे और रिकॉग्निशन एलिमेंट यूज़ कर रहे होंगे और हम क्या उससे एनालाइज कर सकते हैं। मैकेनिकल नैनो सेंसर, मैकेनिकल नैनो सेंसर के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है क्वार्ट्स क्रिस्टल माइक्रो बैलेंस जो कि नैनोग्राम मास सेंसिंग करती है और इसमें इसकी हाई सेंसिटिविटी और रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है जिसके ज़रिए हम नैनोग्राम रेंज में मालूम कर लेते हैं मास चेंज को। इलेक्ट्रॉनिक टंग, इलेक्ट्रॉनिक टंग को जो है वो फूड इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो बिटरनेस की डिटेक्शन के लिए यूज़ की जा रही होती है। इलेक्ट्रॉनिक नोज जो है वो एक गैस डिटेक्टर है जो कि एरोमा की डिटेक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। सेम जैसे हमारी बायोलॉजिकल नोज होती है वो सेंस कर रही होती है गैसेस को, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक नोज भी करती है। इसको हम जो है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं या हम फूड और वेजिटेबल की प्रोसेसिंग के दरमियान यूज़ कर रहे होते हैं और इसमें हम जो नैनो कंपोजिट यूज़ करते हैं वो टंगस्टन ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड का होता है जो इथाइलिन गैस की डिटेक्शन कर रहा होता है। एप्लीकेशन ऑफ नैनो सेंसर्स, तो जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में काफ़ी एप्लीकेशंस को भी डिस्कस किया है स्पेसिफिक होकर, तो यहाँ पे हम जनरल बता देते हैं इनकी एप्लीकेशन जैसे कि फूड मॉनिटरिंग में हम बायोसेंसर यूज़ कर रहे होते हैं, पैथोजन डिस्कवरी में, ड्रग डिस्कवरी में, टॉक्सिन डिटेक्शन में, वाटर मॉनिटरिंग में, डिसीज डिटेक्शन में, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में, सॉइल क्वालिटी मॉनिटरिंग में, और नैनो सेंसर फॉर मॉनिटरिंग सॉइल कंडीशन, नैनो सेंसर फॉर प्लांट पैथोजन एंड पेस्टिसाइड डिटेक्शन। तो यहाँ पे बायोसेंसर की मेन क्लास जो है एप्लीकेशंस बताई जा रही हैं। नासा साइंस डेवलप्स सेल फोन केमिकल नैनो सेंसर, तो ये जो नैनो सेंसर है वो मोबाइल के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इसके थ्रू जो है अमोनिया, क्लोरीन गैस और मीथेन की डिटेक्शन की जा सकती है और इसमें जो हमें डेटा ऑब्टेन होगा वो हम जो है वो शेयर कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर या अदर कोई भी कम्युनिकेशन वे के थ्रू, इसको आराम से हम शेयर कर सकते हैं। सेंसर्स एप्लीकेशन, यहाँ पे फर्दर एप्लीकेशन जो हैं बताई जा रही हैं कि जैसे कि ड्रेस में नैनो सेंसर कनेक्टेड है जो हार्मोन लेवल की डिटेक्शन कर रहा है, इसी तरह बैक्टीरिया पे जो है बैक्टीरिया की डिटेक्शन के लिए टीथ पे एक चिप कनेक्टेड है जो हमें बैक्टीरिया की आइडेंटिटी जो है लेवल जो है कितनी ग्रोथ हो गई है या कितनी ग्रोथ हो रही है उसके बारे में बता रही है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक स्किन फॉर हेल्थ मॉनिटरिंग, तो एथलीट्स के स्किन पे एक नैनो सेंसर चिप्स कनेक्ट करके थ्रू उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग की जा सकती है जो रिपोर्टेड लिटरेचर में मौजूद है। इसी तरह ब्रीथिंग मॉनिटरिंग नैनो सेंसर्स हैं जो आपकी ब्रीथिंग में जो भी डिफ़िकल्टीज हैं, आप कितने इनटेक कर रहे हैं गैस जो ऑक्सीजन का और कितने नहीं कर रहे वो हमको मॉनिटर करके बता देगी। इसी तरह स्मार्ट सिटी एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग है, प्लांट स्ट्रेस एंड वाटर शॉर्टेज मॉनिटरिंग है, डिटेक्शन बैक्टीरिया विद फ्लोरेसेंट नैनो सेंसर, तो ये रिपोर्टेड लिटरेचर में यूज़ की गया है कि फ्लोरेसेंट नैनो सेंसर के थ्रू जो है बैक्टीरिया की डिटेक्शन की जा रही है। इसी तरह मैग्नेटो नैनो सेंसर स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म फॉर द डिटेक्शन ऑफ HIV एंड लीकोसाइटोसिस एट अ पॉइंट ऑफ केयर। इसी तरह शर्ट फॉर हार्ट बीट मॉनिटरिंग एंड यूरिनालिसिस नैनो सेंसर जो मोबाइल के थ्रू हमें वहाँ पे डेटा ऑब्टेन होता है, नैनो सेंसर में जो डेटा जनरेट होता है वो मोबाइल में उस डेटा को ट्रांसफ़र करके हम जो है उसकी एनालिसिस या उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं।